हेलो प्यारे बच्चों, एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है बेटा। हमने बेटा भारत का पोर्शन स्टार्ट कर लिया है जीके क्लास के अंदर, और बहुत अच्छे खासे प्रश्न सैनिक स्कूल की दृष्टि से भारत के भूगोल से बनते हैं। तो हर पॉइंट को अच्छे से नोट करना है, अच्छे से नोट सुनाने हैं, तैयारी करनी है। हमने लास्ट क्लास तक भारत की स्थिति और विस्तार को देख लिया है, भारत की स्थलीय और जलीय सीमा प्लस में भारत के पड़ोसी जो देश है उनको भी देख लिया। अब हमारा एक अलग सेपरेट पोर्शन चलता है, भारत के भौतिक प्रदेश। अच्छा खासा बड़ा पोर्शन है, काफ़ी दिन चलेगा, पर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जो भी एग्जाम होती है बेटा, जो भी छोटे से छोटा अपने सैनिक स्कूल मिडिल स्कूल के आपका लेवल का जो पेपर है उसी को सबसे छोटा एग्जाम मान ले, और सबसे बड़ा पेपर मतलब देश का सबसे बड़ा पेपर यूपीएससी पेपर होता है बेटा, जिससे बेटा आपने सुना कलेक्टर लगते हैं, आईपीएस लगते हैं, उस पेपर के अंदर भी ये जो भारत का भौतिक प्रदेश है इससे जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। पर हमें बेटा वो यूपीएससी लेवल का तो पढ़ना नहीं है, हमें तो जो तैयारी करनी है सैनिक स्कूल नवोदय स्कूल के बेस की करनी है, तो हम उसी लेवल से भारत के भौतिक प्रदेश को आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का बेटा हमारा जो चैप्टर रहेगा भारत का भौतिक प्रदेश, भारत का भौतिक प्रदेश हमारा जो है आज का चैप्टर रहता है बेटा। तो आपको जो नोट्स बनाने आज जो स्टार्ट करने हैं भारत के भौतिक प्रदेश के नोट्स जो है बनाने, बहुत ही सिंपल सा इजी सा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे बेटा, बहुत ही आसानी से आप इस चैप्टर को कर पाओगे। तो सबसे पहले हम भारत को जब देखते हैं, ये हमारा भारत का जो है मैप है हमारे सामने बेटा, ये भारत का मैप हमारे सामने रहता है बेटा। ये भारत का नक्शा मैंने एक बार फॉर्मेलिटी के तौर पे ये बना दिया है बेटा। हम जाते हैं जब भारत के उत्तरी भाग में जाते हैं, जब हम भारत के उत्तरी भाग में जाते हैं तो पर्वत ही पर्वत है, क्या है पर्वत ही पर्वत है, बड़े बड़े पहाड़ हमें पता लगते हैं। हम बोल सकते हैं इन्हें उत्तर, हम इन्हें बोल सकते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। पर्वतों से जैसे ही नीचे आते हैं तो बेटा मैदान शुरू हो जाता है, क्या शुरू होता है मैदान, क्या बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। जैसे ही बेटा हम पर्वतों से नीचे आते हैं तो दूसरा जो भौतिक प्रदेश हमारे सामने आता है वो आता है उत्तर का विशाल मैदान। जैसे बेटा हम मैदानों से आएंगे आगे, तो ये मैंने जो ये भाग बना के रखा है इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय द्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और ये पठार के बीच में ये जो जगह येलो और रेड लाइन के बीच में जो जगह रहती है बेटा, येलो और रेड लाइन के बीच में जो जगह रहती है, ये जो लाइन में लाइन डाल रहा हूँ बेटा, इसे बोलते हैं तटीय मैदान, क्या बोलते हैं बेटा तटीय 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 मैदान, क्या बोलते हैं बेटा तटीय मैदान, दोनों साइड में रहता है। कल हमने बात की थी भारत के जब जलीय सीमा की बात कर रहे थे, इस तटीय मैदान पर 9 राज्य आ रहे थे, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा और पश्चिमी बंगाल तक हम जा रहे थे। तो वही तटीय मैदान रहता है दोनों साइड, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ भी।
रहते हैं तटीय है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया हमारा, हो गया था तीसरा और ये चौथा। और जो बेटा हमने कल बात की थी, ये रहते हैं यहां पर द्वीप, द्वीप ये पांचवा भौतिक प्रदेश द्वीप समूह है, ये द्वीपों का समूह है, ये पांचवा भौतिक प्रदेश की श्रृंखला में इसको हम काउंट कर सकते हैं। बेटा पांचवा भौतिक प्रदेश क्या है? तो बेटा इस स्ट्रक्चर से हमें ये पता आ रहा है कि हमारा जो भारत है पांच प्रकार के भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। कितने बेटा? पांच प्रकार के भौतिक प्रदेशों में रहता है। सबसे पहले हम जब पर्वतों की तरफ जाते हैं तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश, पर्वतों के बाद जैसे नीचे आते हैं तो उत्तर का विशाल मैदान रहता है, विशाल मैदान के बाद ये जो भाग रहता है बीच में ये दिखाई दे रहा है प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश के दोनों कोरों पर तटीय मैदान और द्वीपीय प्रदेश। इस प्रकार भारत के कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? भारत को बेटा पांच भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। लिखिएगा इसको, जो हमारी फर्स्ट लाइन जो बनती है वो यही बनती है, भारत को, भारत को भौतिक दृष्टि के आधार पर, भारत को भौतिक दृष्टि के आधार पर पांच भागों में, कितने? पांच भू भागों में बांटा जा सकता है। पांच भौतिक भू भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक उत्तर पर्वतीय प्रदेश, क्या रहता है नंबर एक पे? उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो है पहला भौतिक प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा जो भौतिक प्रदेश रहता है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरा जो हमारा भौतिक प्रदेश रहेगा वो रहेगा प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तीसरा जो भौतिक प्रदेश रहता है वो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। चौथा जो बेटा आएगा भौतिक प्रदेश उसे बोला जाता है तटीय मैदान, तटीय मैदानी प्रदेश। और लास्ट पांचवा जो रहता है वो रहता है द्वीपीय प्रदेश या द्वीप समूह है जो भी है। ये पांच भौतिक प्रदेश हमने इस डायग्राम से देख भी लिए थे, उत्तर का विशाल, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस प्रकार हमने भारत की स्ट्रक्चर जो है भौतिक प्रदेशों की वो कंप्लीट कर ली। अब हमें ये थीम पता लग गई है कि हमें जो आगामी दिनों में क्या पढ़ना है, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ना है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश पढ़ना है, द्वीप समूह पढ़ने है, तटीय मैदान पढ़ना है, प्रायद्वीपीय पठारी, ये जो है हमारी थीम कंप्लीट होती है यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा, जब हमने बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने इतने भौतिक प्रदेश जो पढ़े हैं, ये देखिए सबसे पहला जो प्रश्न आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बेटा सबसे जो बड़ा भौतिक प्रदेश रहता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये जो हमें दिखाई दे रहा है प्रायद्वीपीय
पठारी प्रदेश जो है हमें, ये जो भाग है जो मैंने नाम लिख के रखा है, ये प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, नंबर एक पे आता है। दो नंबर पे उत्तर का विशाल मैदान और तीन नंबर पे उत्तर प्रदेश हो। तो हमें सबसे बड़ा कौन सा है ये पता बेटा होना चाहिए। क्या सबसे बड़ा कौन सा है? तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लिख लेते हैं बेटा, लिखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्राय प्रायद्वीपीय पठारी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश सबसे बड़ा रहता है। बेटा हम बात कर लेते हैं एक नंबर पे जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बाद जो दो नंबर पे आता है वो आता है उत्तर का विशाल मैदान। और बेटा तीन नंबर पे जो आएगा वो आएगा उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो है तीन नंबर पे आने वाला हमारा भौतिक प्रदेश। तो आपसे अभी तक पांच भारत के भौतिक प्रदेश देख लिए। अभी प्रश्न जो है एक ही बनता है, पहला प्रश्न तो यही बनता है भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो भारत को पांच भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं? तो आप नाम बता दोगे कौन कौन से है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह, ये पांच भौतिक प्रदेश होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आप बता दोगे सर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो है सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश रहता है। इस हिसाब से हमने यहाँ तक की कंप्लीट थीम की, उसमें हमने तीन ही चीज़ें देखी अभी तक। भौतिक प्रदेश पाँच हैं, पाँचों के नाम और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। बड़ा बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये। आप देखोगे हमने जो भारत के भौतिक प्रदेश किए, भारत में जो राज्य हैं किसी ना किसी भौतिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उत्तर की तरफ जाएंगे जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो बेटा सिंपल सी बात है कि वो जो भौतिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं वो किस प्रकार के भौतिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे? उत्तर पर्वतीय प्रदेश, वहां पे पर्वत है तो पर्वतीय प्रदेश वहां पर आते हैं। हम भी उत्तर का विशाल मैदान का जब जिक्र करते हैं तो हमारा कुछ राजस्थान का स्टेट भी आता है उसमें, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो है स्टेट्स हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं या इसमें इसका साथ है। हाँ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे दो दो भौतिक प्रदेश, तीन तीन भौतिक प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व आ सकता है। जैसे ही हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में आते हैं तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर आ जाते हैं। जबकि हम तटीय प्रदेशों की बात करें तो गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये जो तटीय मैदान है या तटीय मैदान का है प्रतिनिधित्व करते हैं, या तटीय मैदान यहाँ पर जो हिस्सा रखता है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या लक्षद्वीप समूह है ये द्वीपीय प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर बेटा एक भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो चार भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, वो उत्तर विशाल मैदान का भी, वो उत्तर के विशाल मैदान का भी प्रतिनिधित्व करता है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व करता है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व करता है और तटीय मैदानों का भी वो प्रतिनिधित्व करता है। एक सिर्फ द्वीपीय प्रदेश है उसके प्रतिनिधित्व में नहीं आता। तो लिखिएगा कौन सा स्टेट है वो मैं आपको बताता हूँ बेटा, अच्छा प्रश्न बनता है। लिखिएगा पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल
भारत के पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल भारत के चार भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो बेटा अब आपसे पूछ लेंगे सर, वो लिखो, लिखवाने की जरूरत ही नहीं है कि कौन कौन से करता है। एक द्वीप है जो सागर के या समुन्द्र के बीच में है, उसको छोड़ के जो भी भौतिक प्रदेश रहते हैं उनका कौन प्रतिनिधित्व करता है? हमारा पश्चिमी बंगाल जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो पर्वतीय प्रदेश, मैदान, प्रायद्वीप और तटीय मैदान, इन चार भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो करेगा वो बेटा क्या करेगा? पश्चिमी बंगाल करेगा। नेक्स्ट बात, अब हम जब बेटा हमने भौतिक प्रदेशों को पढ़ लिया है, अब भारत के प्रत्येक भौतिक प्रदेश को डिटेल से पढ़ना पड़ता है। हमने डिटेल से पढ़ना पढ़ना पड़ेगा बेटा भारत के हर भौतिक प्रदेश को। तो हमारे सामने पहला जो भौतिक प्रदेश आता है बेटा वो है उत्तर हाँ, पहला जो भौतिक प्रदेश आएगा उत्तर पर्वतीय प्रदेश। हम जब उत्तर पर्वतीय प्रदेश का हम जिक्र करते हैं तो बेटा उत्तर पर्वतीय प्रदेश की हम जो जानकारी है ले लेते हैं। बेटा ये जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है हमारा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम बेटा दो भागों में बांट सकते हैं। कितने? दो भाग में। पहला जो भाग आता है उसे हम बोल देते हैं हिमालय, हिमालय। और जो दूसरा भाग आएगा बेटा उसको हम बोल देंगे, जो दूसरा भाग आएगा उसको हम बोल देंगे प्रायद्वीप। ट्रांस हिमालय क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांस हिमालय बहुत इजी से रहेगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है इसको बेटा, आपके लिए इजी है ये, इसको याद नहीं करना आपको कि कितने भागों में बांटना है। इस आपको ये एक नॉलेज हो जाएगा कि हम जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है उनको कितने भागों में बांट सकते हैं। उसको हम बेटा दो भागों में बांट सकते हैं, हिमालय और ट्रांस हिमालय। हमारे लिए जो पढ़ने के लिए रहता है बेटा हिमालय पर्वतीय प्रदेश को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय में हमारे पास कुछ ज़्यादा फैक्ट्स नहीं आते हैं, एक दो फैक्ट्स आते हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए हमारे सामने क्या है, हम पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में, हिमालय और ट्रांस हिमालय। यहाँ पर बेटा बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। क्या बेटा? बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं और उनके मध्य से कुछ नदियाँ निकलती है, तो उनका भी हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी के मध्य से कौन सी नदी निकलती है, कौन सा नाना निकलता है, तो उसके बारे में भी हमें नॉलेज जो है लेना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं बेटा कौन कौन सी यहाँ पर नदियाँ रहती है, कौन कौन से यहाँ पर पर्वत रहते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ ट्रांस हिमालय एवं हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। बहुत ही इजी सा रहता है यहाँ पे काम।
बहुत ही इजी काम रहेगा बेटा। तो एक लाइन रहती है बेटा, याद हो तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने की, आप वैसे ही छोटे बच्चों ऐसे ही याद कर लेना, आपके लिए नहीं रहती है। काल झा काल झा रधि हे पीची राधो तो बेटा यहाँ पर जो है हमें अभी देखना पड़ेगा कुछ। तो सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी का नाम आता है वो है बेटा काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी रहती है, कौन सी रहती है? काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये लीजिए। काराकोरम पर्वत श्रेणी के बाद में जो दूसरी पर्वत श्रेणी आती है वो बेटा आता है लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये लो जी बेटा, दूसरी भी हमने कर ली। फिर आती है सिंधु नदी बेटा, कौन सी नदी? सिंधु नदी, फिर आती है सिंधु नदी। सिंधु के बाद बेटा जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी रहती है। जास्कर के बाद बेटा आती है व्रध हिमालय, कौन सी? व्रध हिमालय, वर्ध हिमालय। वर्ध हिमालय के बाद बेटा आती है एक नदी, वर्ध हिमालय के बाद बेटा आई एक नदी, इसका नाम है झेलम। नदी आती है बेटा एक झेलम। झेलम के बाद बेटा अगली जो पर्वत श्रेणी आती है वो है पीर पंजाल, पीर पंजाल। ये भी एक पर्वत श्रेणी रहती है बेटा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल के बाद आता है बेटा एक नदी आती है चिनाव, कौन सी नदी आएगी? चिनाव। फिर आती है बेटा रावी, रावी जो कि चिनाव में आके मिल जाती है। उसके बाद बेटा आता है जो है धौलाधर, धौलाधर, धौलाधर पर्वत श्रेणी। और लास्ट में आती है शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो बेटा ये जो है ट्रांस हिमालय या वर्ध हिमालय की जो प्रमुख है पर्वत श्रेणियां जो हमने देख ली। अब बेटा एग्जाम में प्रश्न आता है लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? एक प्रश्न बना के देखते हैं बेटा, प्रश्न से पता लगेगा हमें, प्रश्न से हमें जो है आइडिया लगता है कि किस टाइप से प्रश्न आते हैं। प्रश्न से हमें पता लगेगा किस टाइप के प्रश्न, लद्दाख और लद्दाख और जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य
कौन सी नदी प्रवाहित होती है? लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? अभी हमने ये देखो, यहां से हमें पता लगेगा कौन सी नदी है। पहले ऑप्शन बना देता हूं मैं, रावी, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी झेलम। रावी और जास्कर के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बेटा ये जो सीक्वेंस यदि याद होगा तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। देखो ये प्रश्न था एक लद्दाख और जास्कर के बारे में पूछा है, तो देखिए बेटा लद्दाख और जास्कर तो कौन सी नदी आ रही है इनके मध्य में? सिंधु नदी आ रही है। ऑप्शन में सिंधु है क्या? है सर, तो ओके जी, राइट आंसर क्या रहेगा आपका? सिंधु ही रहेगा। तो बेटा इस सीक्वेंस से क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वर्ध हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक ये पर्वत श्रेणियां हैं। पूछ ले लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी है, तो सिंधु नदी रहती है। वर्ध हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कौन सी नदी रहती है, झेलम नदी रहती है। पीर पंजाल और धौलाधर के मध्य मुख्य नदी कौन सी है, मुख्य नदी चिनाव रहती है। कभी कभार रावी भी ऑप्शन मिलता है तो रावी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये सिक्वेंस से क्या कर सकते हैं, ट्रांस हिमालय और वर्ध हिमालय की जो प्रमुख प्रमुख पर्वत श्रेणी है यहां से बेटा प्रश्न जो है डेफिनेटली पूछा ही जाता है। तो आज बेटा हमने जो है मुख्य रूप से हिमालय के बारे में चर्चा की है स्टार्ट। उससे पहले हमने भारत के भौतिक प्रदेश को पढ़ना शुरू किया था। भौतिक प्रदेशों में भारत को पांच भौतिक प्रदेशों में बांट सकते थे। जो पांच भौतिक प्रदेशों का हम जिक्र कर रहे हैं वो, तो भारत को हमने पांच भौतिक प्रदेश, उत्तर का उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इन पांच भागों में हमने बांट दिया था। दूसरी स्लाइड में हमने देखा था प्रश्न पूछा जाता है भारत, सीधा ही आपके लिए प्रश्न आता है भारत को कितने भौतिक भूभागों में बांटा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा पांच। निम्नलिखित में भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है, तो ये पांच नाम आते हैं तब तो भौतिक प्रदेश है, इनसे कोई अलग हटके दे दिया जाए तो ये भारत के भौतिक प्रदेशों में नहीं है। जैसे मान लीजिए भारत के मुख्य भौतिक प्रदेश दे दिया मरुस्थल नाम दे दिया, तो बेटा मरुस्थल जो है उत्तर के विशाल मैदान में ही काउंट कर लेते हैं, उसको अलग से भारत के भौतिक प्रदेश में डिवाइडेशन नहीं करते। कुछ टेक्स्ट बुक जो आती है मरुस्थल वो अलग दिखाती है, पर हमें जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है तो इसी को पाँच भौतिक भूभागों में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो प्रायद्वीप या पठार जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश रहता है। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश रहते हैं। पश्चिमी बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है, पश्चिमी बंगाल जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जो चार भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, तो बेटा कौन से भौतिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये जो है द्वीपीय समूहों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बाकी चार के चार जो भौतिक प्रदेश है, चाहे पर्वतीय प्रदेश हो, चाहे मैदान हो, चाहे तट हो या प्रायद्वीप या पठारी, ये चारों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र भारत का राज्य है। हमने देखा उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ट्रांस हिमालय और हिमालय, और इनके मध्य में जो ट्रांस हिमालय और हिमालय की प्रमुख जो श्रेणियों का हमने जिक्र किया, तो यहाँ पे कालसा भर दीजिए, पीची, राजोशी, काराकोरम, लद्दाख, इनके मध्य नदी आ जाती है सिंधु, जास्कर, वर्ध हिमालय नदी आएगी झेलम, पीर पंजाल और चिनाव और रावी आ जाएगी नदी, फिर धौलाधर और शिवालिक ये प्रमुख प्रमुख पर्वत श्रेणियां रहती है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी करके देखा था कि एग्जाम में पर्वत श्रेणियों के मध्य जो नदी आती है किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इतनी बात करने के बाद आज की जो मैं अपनी वाणी है बेटा यहाँ पे विराम देने से पहले आपको बता देता हूँ आपको करना क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ बढ़िया तैयारी के लिए बढ़िया नोट्स बनाने हैं और ऐसे नोट्स बनाने हैं कि देखने वाला देखता रहे कि बच्चे की सच में नृत्य विद्यालय, सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के लिए तैयार है बच्चा, और जब आप एग्जाम दे के आओ तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो। इसी दुआओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।